नमस्कार दोस्तों, आज माता का पांचवा दिन फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप सभी लोगों का आज जो दिन है उसे स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता यानी पुत्रवती माता, पिता का स्वरूप है, अथवा प्रत्येक पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के रूप में है। इसलिए मेरा आज जो थंबनेल पे जो फोटो देख रहा हूँ आप, वो इस तरह से आशीर्वाद देते हुए फोटो है, क्योंकि हम हमारे बच्चों को हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं कि वो सफल हो जिंदगी में, हर चीज हर खुशी हो पाए, और उसके लिए हम जो भी कुछ कर सकते हो सब कुछ करते हैं। अब थोड़ा सा जाइएगा वहाँ कहीं, उसके बाद में आपको आयुर्वेदिक का भी महत्व इसका बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एटोमिक से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। देखिए एटोमी क्या है, एटोमी जैसा आज हम क्या चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा को कभी कोई तकलीफ ही नहीं हो, हर चीज़ हर सुख उसके कदमों के पास आए, उसके कदमों के नीचे रहे, हर चीज़ उसको मिलते रहे, यही हम चाहते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों की ये चीज़ चाहता है, अच्छी परवरिश देना चाहता है और पूरी सुख सुविधाएं उसको मिल सके ये चाहता है। तो एटोमी एक ऐसी चीज़ है कि आप तीन जनरेशन तक आप पूरा सिक्योर कर सकते हैं, यानी आप और आपकी वाइफ फर्स्ट जनरेशन हो गया, उसके बाद में आपका लड़का सेकंड जनरेशन हो जाता है और उसका लड़का या लड़की थर्ड जनरेशन हो जाता है। तो आप तीन जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं, सिर्फ एटोमी के अंदर ही ये चीज पॉसिबल है। अब जानते हैं स्कंद माता का आयुर्वेदिक में क्या महत्व है। स्कंद माता यानी अलसी, आपने अलसी का नाम सुना होगा, फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर में। तो अलसी मैंने देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है, ठीक है। अलसी क्या करता है, वात पित्त और कफ रोगों की नाशक औषधि है। तो आपने देखा होगा कि हमेशा अलसी को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। हमारे इधर मैंने महाराष्ट्र के अंदर में जवस जिसको कहा जाता है, जवस की चटनी, तो जवस की चटनी भी हम लोग जब भी कोई देवी का प्रोग्राम होता है हमारे घर में नॉर्मली, तो जवस की चटनी बनती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उस टाइम भी जवस की चटनी बनती है। तो जवस आपको दैनिक दिनचर्या में रोज खाना चाहिए जवस, जिससे आपको वात पित्त व कफ जो तीन प्रवृत्ति है, हर मानव में किसी ना किसी को वात होता है, किसी को कफ होता है, किसी को पित्त की प्रवृत्ति होती है, ये तीनों से आप नाशक, यानी ये अलसी जो इन तीनों को नाशक है, रोगों की नाशक करने वाली कही जाती है औषधि है, इसलिए आपको अलसी का उपयोग रोज करना चाहिए। तो इतना ही मुझे कहना था, फिर मिलेंगे कल छठवें दिन, वैसे तो कल सातवां दिन होता है क्योंकि तीसरा चौथा दिन एक साथ आया था, तो लेकिन कल हम मिलेंगे छठवें वीडियो के अंदर में और देखते हैं छठवीं देवी की क्या कहती है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।